पता है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए थे उस समय समझले थे कि यहाँ जो पताही हवाई अड्डा है वह चालू होगा, अभी तक ले चालू नहीं हुआ और उसी पताही हवाई अड्डा पे आ रहे हैं अमित शाह जी, इस पे क्या कहिएगा? नहीं आएंगे, विकास के लहर हर कोना कोना में है भारत का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम जय श्री राम। जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। इस वक्त हम हैं पताही हवाई अड्डा पे, हाँ वही पताही हवाई अड्डा जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी 2020 में आए थे, और वही पताही हवाई अड्डा पे अमित शाह जी आ रहे हैं। तो यहाँ पे महिला लोग बैठी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला, और यहाँ एक महिला को देखे हैं जिसमें खास कर है, इसमें इनके बैच लगा हुआ है, एक बैच है उस पर लिखा हुआ महिला मोर्चा मुजफ्फरपुर। क्या है आप जानना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुंदरी देवी है, मुजफ्फरपुर महिला मोर्चा प्रवक्ता। महिला मोर्चा के प्रवक्ता हैं आप? यहाँ आप कार्यक्रम में आए हैं नरेंद्र मोदी जी का, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के चाय के दुकान पर? बस थोड़ा सा चाय पीने आए हैं, चाय पी के फिर जाएंगे वहाँ पे। हम लोग को संभालने का काम है, हमारी महिला शक्ति को एक साइड में बैठाते हैं, और जो हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं उनके स्वागत समारोह में जितनी महिला शक्तियाँ आई हुई हैं उनकी स्वागत में, उनको संभालने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, महिला शक्ति हैं, और महिला सम्मान में हम लोग तत्पर खड़े हैं। और हम अपने प्राइम मिनिस्टर जी के 33% जो आरक्षण दिए हैं उसके लिए महिला काफ़ी उत्सुक है, जिसके कारण और अधिक केस अधिक संख्या में महिला लोग आई हैं। तो महिला मोर्चा के आप प्रवक्ता हैं, तो महिला के हित में आवाज़ उठाइएगा कि यहाँ महिला के लिए यहाँ गृह मंत्री जी के कार्य में आए हुए हैं। महिला मोर्चा और गृह मंत्री का काम हम लोगों का काम बराबर है, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, और छोटा हो या बड़ा है तो कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही, नाम जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है, और हम लोग तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है। आप कार्यकर्ता है और महिला मोर्चा मुजफ्फरपुर के एक जो कार्ड लगाए हुए हैं ऊपर से प्रवक्ता है। जी प्रवक्ता है। आप इसके लिए बीजेपी के भी कार्य करते हैं? जी बीजेपी के कार्य करते हैं, महिला शक्ति के लिए अभी हम लोग कार्य करते हैं, और महिला संगठन से भी जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। महिला हित के लिए और देश हित के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग जो काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसमें हम लोग सहयोगी हैं, क्योंकि उनका बहुत बहुत आभार है महिला के लिए, देश के लिए। वो जितना हम लोग को दिखाए हैं, हम लोग को पूर्वज जो चले गए वो लोग कभी सोचे नहीं थे जो हम लोग देख रहे हैं, आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो अपने आप को सहानुभूति महसूस करते इस भारत में जो आज हो रहा है, वो हमारे सारे के सारे श्रेय जाता है हमारी प्रधानमंत्री जी को जाता है। क्या आपको पता है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए थे उस समय समझले थे कि यहाँ जो पताही हवाई अड्डा है वह चालू होगा, अभी तक ले चालू नहीं हुआ और उसी पताही हवाई अड्डा पे आ रहे हैं अमित शाह जी, इस पे क्या कहिएगा? देखिए ये इस पर ये कहेंगे कि अगर हमारी सरकार की अगर बस चलता तो अभी तक यहाँ के हवाई अड्डा कंप्लीट हो चुकी होती। आपके प्रधानमंत्री है ना? प्रधानमंत्री है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो चोर जो बैठा हुआ है, चचा भतीजा को जो सरकार है वो हमारे भारत को मतलब टुकड़े टुकड़े में बांट के रखे हुआ है बिहार को, उसको उसके कारण ही हवाई अड्डा अभी तक नहीं बन पाया है। अब बनेगा। भरोसा है अमित शाह? बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा होगा? ये भारत का बच्चा जान चुका है कि अब हमारे भारत का विकास ही विकास होगा, विकास की लहर दौड़ रही है भारत के। क्या विकास हुआ है बता दीजिए? आप खुद देख ले, एक छोटा बच्चा से पूछिए कि ये भारत में बिहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। आज हमारे पहले हम लोग गाना गाते थे चंदा मामा दूर के पुआ पकवावे गुड़ के, आज हमारे देश में चंदा मामा पे हम बैठे हुए हैं, चंदा मामा को देख रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा क्या विकास हम बताएं आपको? ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कितना विकसित हो रहा है। एक दो कार्य बता दीजिए नरेंद्र मोदी। आज देखिए जब हम लोग जब छोटे थे, हम लोग अभी से आपको 20 साल पहले की कहानी बता रहे हैं कि जब एक महिला जब जाती थी शादी करके तो दिन भर सोच नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी, क्योंकि उसके पास बाथरूम नहीं होता था, और वो खाना नहीं खाती थी क्योंकि उसके पास है ना लैट्रिन बाथरूम जाने की सुविधा नहीं होती थी। आज क्या देखिए, हर घर में गैस है, हर घर में नल है, जल है, बाथरूम है। नल जल तो बिहार सरकार का है। अरे क्या बिहार सरकार, तो नल चोर है,
वो क्या, वो तो पाइप चोर, वो तो जगह जगह चोरी करके हर जगह तक समझिए कि चोरिए क्या काम करता है। नीतीश कुमार भी चोर है? नीतीश कुमार महाचोर है, महाचोर है। तो आपके साथी थे एक समय? साथी थे तो वो तो जब वो आए मिलने आए, जब उनको लगा कि यहाँ पर मेरा दाल नहीं गल रहा, जब जिधर दिखा उधर जिधर देखते हैं खीर उधर जाते हैं, फिर उधर दिखते हैं खीर उधर फिर जाते हैं। देखिए यहाँ पे और उनका कर्ज करता है, जिंदाबाद अमित शाह के नारे लगा रहे हैं, अमित शाह के लिए आए हुए हैं। जी जी जी, हम भोजपुर से चल कर आए हैं। कहाँ से? भोजपुर। जी जी, आरा जिला। आरा जिला जी, तो यानी कोने कोने से लोग आए हुए हैं। बिल्कुल, पूरे बिहार के लोग, पूरा बिहार के लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। तो लोग कोने कोने से ही ना आएंगे, विकास के लहर हर कोना कोना में है भारत। भारत माता की जय, भारत माता की श्री राम। चलिए, तो आपने देख लिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद।